हेलो फ्रेंड्स, ध्यानियों का या मेडिटेटर्स का एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि आप कहते हो कि ध्यान में एक दृष्टा भाव रखो, ऑब्जर्व करो, विटनेस बनो। आखिर ये दृष्टा भाव है क्या? आखिर ये विटनेसिंग क्या है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये विटनेस क्या है, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अलावा ऑब्जर्व करना या दृष्टा भाव, इसमें क्या मैजिक है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए अंत तक बने रहिए। कृष्णमूर्ति ये कहते थे कि जब भी आप खुद को तटस्थ होकर, मतलब न्यूट्रल होकर, अपने मन को ऑब्जर्व करते हो या देखते हो, उस समय आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी आपके आँखों के सामने खुलने लगती है। और जब ये गठरी, जिसमें कि क्रोध भी है, अहंकार भी है, जिसमें कि परेशानियां भी हैं, किसी ने गाली दी वो दुख भी है, बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं इस बात की परेशानी भी है, जो भी चिंताएं, तनाव, स्ट्रेस जो भी है, वो सब कुछ आपके सामने है। और अब आप इसकी सफाई कर सकते हो, इसको खाली कर सकते हो और इसको प्रेम से भर सकते हो। यही बात गौतम बुद्ध भी अपने शिष्यों को समझाते थे। एक बार उन्होंने आनंद को कहा कि जाओ नदी से पानी लेकर आओ। जब आनंद वहाँ गुजरते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक बैलगाड़ी गुजरी है और इसके कारण पूरा का पूरा पानी गंदा हो चुका है। आनंद वापस आते हैं और कहते हैं पानी पीने के योग्य नहीं है। गौतम बुद्ध एक घंटे के बाद पुनः आनंद को वहाँ भेजते हैं और आनंद ये देखकर चकित रह गए कि वही पानी जिसमें कि पत्ते थे, जिसमें धूल थी, जिसमें मिट्टी थी, जिसमें कीचड़ था, वो गंदा पानी बिल्कुल साफ हो गया है। और जब वो पानी लेकर गौतम बुद्ध के पास आते हैं तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम मन के पास रहते हो, तटस्थ होकर, जैसे तुमने नदी के पानी को देखा, उसी तरह से जब तुम अपने मन को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तो तुम्हारी सारी वासनाएं, जो भी तुम्हारा दुख है, वो अपने आप गायब होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है। और यही तो ध्यान है दोस्तों। ये बात गौतम बुद्ध को बहुत पहले पता चल गई थी। ध्यान के मनीषियों ने इस बात को बहुत पहले ही सिद्ध कर दिया था। इसी बात को क्वांटम फिजिसिस्ट ने भी डिस्कवर किया। उन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में एक कार्डबोर्ड लिया गया और इस पर दो छेद बनाए गए और उसको ऐसे रखा गया और इधर से इलेक्ट्रॉन की बीम पास की गई और यहाँ पे एक स्क्रीन रखा गया। इलेक्ट्रॉन कभी कभी मैटर बन जाती है, कभी कभी एनर्जी बन जाती है, मतलब कभी कभी ये ऊर्जा भी बन जाती है और कभी कभी ये द्रव्य, मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो भी बन जाती है। जब ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन इस कार्ड से, इस स्लिट से पास कर रहे हैं, तो कभी वो ऊर्जा के रूप में रहते हैं और कभी वो द्रव्य बन जाते हैं। लेकिन जब स्क्रीन के पास एक माइक्रोस्कोप रखा गया या आँखों से ही ऑब्जर्व किया गया, तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन ने अपने नेचर को चेंज कर लिया। ये द्रव्य बन गए, ये अपनी ऊर्जा का रूप, जो विस्तृत रूप है, वो शो नहीं कर रहे दोस्तों। अब इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की, या मैं कहूँ किसी भी इस सृष्टि की जो सबसे न्यूनतम इकाई है, वो है, उसके अंदर भी इतनी चेतना है, इतनी बुद्धि है, कॉन्शियसनेस है, कि ऑब्जर्वेशन से चेंज कर सकती है, तो आपका मन, आपका शरीर, बताओ क्या नहीं कर सकता। आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर होगा कि हम ऑब्जर्व करें, चेंज तो करता है, क्या ये चेंज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा? दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश करो, जब तक मालिक घर में जाग रहा है, कोई भी चोर चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा है, वहाँ पे चेतना है। उसी तरह से जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या अपने मन को ही ऑब्जर्व करते हो, उस समय में जो बदलाव आता है, वो बदलाव बहुत ही तेज होता है और वो बदलाव पॉजिटिव होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि विटनेस करने के तरीके क्या हैं। तो मैं दो मॉड्यूल आपके साथ आज आपके सामने रखता हूँ। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, आप इसको आजमा सकते हैं। नंबर वन, एक बच्चा और माँ का एग्जाम्पल। मैं एक बार पार्क में गया था, वहाँ पे देखा कि एक बच्चा खेल रहा है, 2-2.5 साल का, उसके पास एक गेंद है। वहीं पार्क में उसकी माँ एक बेंच पर बैठी हुई है। बच्चा कभी गिरता है, फिर से उठ जाता है, कभी गेंद को चाटता है, कभी गेंद को पटकता है, कभी गेंद को उछाल देता है, कभी घास उखाड़ता है, लेकिन उसकी माँ बस उसको देख रही है, वो कुछ नहीं करती।
वो उसकी मदद भी नहीं करती, वो उसकी हेल्प भी नहीं करती, वो उसको डांटती भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ कोई खतरा नहीं था, वो बस उसको देखती जाती है। यही आपको अपनी सांसों के साथ करना है। जब भी आप आनापानसति मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ भी, उस समय जब मैं कहता हूँ कि आप अपनी सांसों को देखें, तो उस समय आप ये महसूस करें, चाहे तो आप मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आँखें बंद करें एक मिनट के लिए और आप देखें कि क्या आप बैठे हैं इस बात को महसूस कर पा रहे हैं। नंबर टू, क्या आपके नाक में हवा अंदर जा रही है या आप सांस ले रहे हैं इसको महसूस कर पा रहे हैं। ये फीलिंग, ये महसूस करना, यही ऑब्जर्वेशन है। जब आप महसूस कर रहे हैं तो उसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उस चेतना के साक्षी बन रहे हैं जो कि इसको ऑब्जर्व कर रही है। उसके अलावा आप ये भी महसूस करें कि आपके नासिका के अग्रभाव में जो टिप ऑफ नोज है वहाँ पे कुछ हलचल हो रही है, क्या आप इसको महसूस कर रहे हैं। अंदर आती हुई सांस ठंडी है और बाहर निकलती हुई वायु थोड़ी गर्म है, क्या आप इसको महसूस कर पा रहे हैं। क्या आपकी छाती में कुछ हलचल हो रहा है, आप इसको महसूस कर पा रहे हैं। आपके पेट में जो हलचल है, पेट अप एंड डाउन जा रहा है, क्या आप इसको महसूस कर पा रहे हैं। बस यही ऑब्जर्वेशन है। जब आप इसको ऑब्जर्व करें तो आप बदलने की कोशिश, चेंज करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। दूसरा जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल है एक्वेरियम। ये मॉड्यूल, एक्वेरियम मतलब मछली घर, मेरा फेवरेट टाइम पास यही है कि मैं पार्क में आसमान में तारों को देखता हूँ, गिनता रहता हूँ, या फिर मैं मछलियों को देखता हूँ। और जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो मैं ऐसे ऑब्जर्व करता हूँ, या आप अगर मछली घर को आप देखें, मछलियों को आप देखते हैं तो कैसे देखते हैं, कोई मछली नीचे जा रही है, कोई मछली ऊपर जा रही है, कभी दो मछलियाँ आपस में टकरा जाती हैं फिर अपने अपने रास्ते बदल लेती हैं, कभी वो नीचे घास को खाती है, कभी वो चारे को खाती है, और इसी तरह से आप कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, आप उसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उसको कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, आप कोई परामर्श नहीं दे रहे हैं, कोई कमांड नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। ये थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन मॉड्यूल एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल सेम फिट बैठता है। जब आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करें तो हो सकता है सेक्सुअलिटी के विचार आने लगे, आपको गुस्सा, किसी ने गुस्सा दिलाया हो, वो विचार आपके सामने आते हैं, लेकिन आपको एक सहज भाव से उसको देखना है, उसको अंत तक देखना है, उस विचारों में खो नहीं जाना है। दोस्तों, हमारा मन का स्वभाव कैसा है कि जब हम विटनेस नहीं होते हैं ना, तो हम उस स्थिति में खो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें क्रोध आया तो हम खुद ही क्रोध बन जाते हैं और ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन के ऊपर क्रोध बैठ जाता है और वही सारे विचार हमारे मन में चलने लगते हैं जो कि हमें और हमारी सोसाइटी को हार्म पहुंचा सकते हैं। लेकिन द मोमेंट, जिस क्षण आप उसको देखना शुरू करते हैं, आप उस रिंग से, जिस रिंग में परेशानियाँ हैं उससे बाहर आ गए। अब जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है और आपकी कॉन्शियसनेस एक ऑब्जर्वर है। ओशो ने भी इसको बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, दृष्टा भाव, मतलब कि सीधा सा ये है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व दो चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ये दोनों मॉड्यूल हैं, आप इनको कोशिश करें। ध्यान बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो मैं ये चाहूँगा कि मैं विटनेसिंग के ऊपर, विटनेसिंग के भी तीन फेज हैं, कैसे कैसे स्टेप वाइज इसको हम करें और ध्यान में अपनी गहनता को, गहराई को और ज़्यादा ले जाएं, अपने आप को ध्यान में कैसे गहरे ले जाएं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट करके अपना रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ कि मैं लाइव आता हूँ और आपको मेडिटेशन कराता हूँ, आपके सवालों के आंसर देता हूँ। दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई तो अपने 5 दोस्तों को ज़रूर भेजें जिनकी लाइफ में ये कुछ चेंज ला सकता है। थैंक यू, थैंक यू।